हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि हैदराबादी अंडा मसाला। तो नाम तो आपने सुना ही होगा। तो हैदराबाद की फेमस रेसिपी है अंडा मसाला, या तो अंडा ग्रेवी कह लो आप, या तो एग करी कह लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सब में पहले हम यहाँ पर चॉप की हुई दो प्याज, बारीक चॉप किए हुए टमाटर, हरा धनिया और दो हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लेंगे और सारी चीज़ों को साइड में रख देंगे। फिर कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे और 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज हमारी डाल देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। प्याज हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बस हम नरम होने तक प्याज पका लेंगे। तो इस तरह से हम प्याज नरम होने तक पका लेंगे और अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। तो आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 चम्मच। और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसे हम पका लेंगे। अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई हमारी हरी मिर्च है वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर टमाटर डाल देंगे चॉप की हुई, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आती है मसालों की बारी। तो हम यहाँ पर मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे तेल छूटने तक पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी का यूज़ किया है और इसे भी मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसे पका लेंगे। तो पानी को बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अंडों को फोड़ कर डाल देंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है हमारी और ऐसी है एक टेस्टी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, चिकन लेग पीस मसाला। तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, जाकर ज़रूर से देखना। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। बीच में मैं एक बार चेक करूंगी। तो अंडे हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसे 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर और पका लूँगी। तो रेडी है हमारे हैदराबादी स्टाइल और इतने टेस्टी बनने वाले एग मसाला ग्रेवी। तो आप ज़रूर से एक बार घर पे ट्राई करना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजिम कर ले और सपोर्ट करें मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में। तो इस तरह से हरा धनिया मैं डाल दूंगी और एक बाउल में इसे सर्व कर लेंगे। आ गया ना मुँह को पानी। तो जाइए किचन में और ज़रूर से बनाकर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।